खुशियाँ मनाइए, लड्डू बांटिए, देश में नहीं है जातिवाद। खुशियाँ मनाइए, लड्डू बांटिए, देश में नहीं है जातिवाद। आज मैं इस विषय पर क्यों आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ, एक बड़ी घटना देश में घटी है और मीडिया की सुर्खियों से घटना गायब है। क्या है घटना? एक 15 वर्षीय छात्रा कहें या युवती कहें, नाबालिग युवती है, उसको एक 23 वर्षीय युवक अपने प्यार में फंसाता है, शादी का झांसा देता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है और जब वो 5 महीने की गर्भवती हो जाती है तो उसको अपनाने से इनकार कर देता है। लड़की ने बहुत कोशिश की, लड़की के परिवार वालों ने बहुत कोशिश की कि आप लोगों का प्यार था, चलिए ठीक है, जो हुआ भूल जाते हैं और आप दोनों की शादी कर देते हैं, लेकिन लड़का शादी से मना कर देता है, लड़के वाले शादी से मना कर देते हैं। घटना है कर्नाटक के बेंगलुरु के एक गांव, घटना है कर्नाटक के बेंगलुरु के एक गांव यादगीर से, जहां पर 15 वर्षीय दलित युवती के साथ ये जो कुकर्म किया गया है, ये स्वर्ण जाति के एक युवक ने किया गया है। इतना ही नहीं, जब थक हार कर लड़की के माँ बाप ने बहुत विनती अनुनय विनय किया और लड़के वालों ने स्पष्ट मना कर दिया कि दलित परिवार की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। आप सोचिए कितनी बड़ी मानसिकता है कि दलित परिवार की बेटी आपके मनोरंजन का तो साधन बन सकती है लेकिन आपके परिवार की लक्ष्मी नहीं बन सकती है। जब बात बिगड़ गई तो लड़की वालों ने FIR दर्ज करा दी, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, लड़के को उठाकर जेल भेज दिया गया। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से, कानून अपना काम कर रहा है लेकिन जो स्वर्ण समाज का जो तबका है, उन्होंने यादगीर के अंदर लगभग 50 परिवार दलित समाज के हैं, उन सब का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो पेन पेंसिल और किताब कॉपी के लिए भी दुकानों पर जा रहे हैं तो वो भी उनको नहीं मिल रही है। दुकानदारों ने स्पष्ट मना कर दिया, जब तक ये मामले को नहीं सुलटाओगे, केस वापस नहीं लोगे, तब तक आपके साथ किसी भी तरह का हम संबंध नहीं बनाएंगे। अब आप सोचिए, आज़ादी के 75-76 साल बाद भी अगर इस तरह के तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं तो सोचिए दलितों की स्थिति आज भी इस देश के अंदर कहां पर है। वहां की जो कलेक्टर हैं संगीता जी, मैंने उनका बयान पढ़ा अभी सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि हम परिवारों के बीच में मध्यस्थता कराने की बात कर रहे हैं। अरे आप तो कानून की रखवाली हैं, ऊपर से महिला भी हैं, आप 15 साल की बेटी का मध्यस्थता कराएंगी या उसको न्याय दिलवाएंगी? वो नासमझ थी, बहकावे में आ गई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। अब पता नहीं, ना जाने कितनी बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ होगा और अब वो 5 महीने की, अब जब ये जबकि ये खबर है उस समय वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, अब वो लगभग 6 महीने की प्रेग्नेंट लड़की हो चुकी है। इससे आगे के बारे में विस्तार अभी तक खबर नहीं पता चल पाया है, क्या हुआ है, बच्चा हो गया है, प्रशासन ने कुछ उसमें पहल की है, उसकी सूचना अभी तक नहीं है। एक बड़ी खबर है जो मैं आपको ये बेंगलुरु से कर्नाटक से सुना रहा हूँ। अब आप सोचिए कि ये स्वर्ण जाति की जो मानसिकता के लोग हैं, हमारे समाज की परिवार की बेटियों को आप समझाइएगा, आप उनके अच्छे खासे रहन सहन को देखकर, उनकी गाड़ियों को देखकर, उनकी मोटरसाइकिलों को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर रीजे ना, वो आपको मनोरंजन का साधन तो मान सकते हैं लेकिन कभी भी आपको अपने परिवारों में जगह नहीं देंगे। हालांकि ऐसा सभी के साथ नहीं है, कुछ उदाहरण ऐसे ही प्रस्तुत हुए हैं जिसमें ब्राह्मण समाज ने भी दलितों से शादी की है, दलितों ने भी ब्राह्मण समाज से शादी की है, लेकिन वो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं जो आज तक निभाते भी आ रहे हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, समता आवाज़ टीवी पर पहले भी आपने बहुत उदाहरण देखे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को समझाएं, उनको ये सतर्क करें कि ये समाज जिसके लिए बाबा साहब परेशान थे, जिसके लिए माननीय काशीराम साहब परेशान थे, कबीर नानक रविदास परेशान थे, कि स्वर्ण जाति की जो ऊंची मानसिकता के जो लोग हैं वो कभी भी हमें अधिकार नहीं देंगे। हाँ, हमसे काम निकालने के लिए हमको अपना भाई ज़रूर मानेंगे, जब भी उनको ज़रूरत होती है तो हमको हिंदू की श्रेणी में रख लिया जाता है, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है वो फिर हमको उसी दलित शोषित पिछड़े उसी रूप में देखते हैं। खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
और हाँ, इस बिटिया की आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। जो लोग बेंगलोर से हैं, कलकत्ता से हैं, या माफ़ कीजिएगा, जो लोग कर्नाटक से हैं, बेंगलुरु से हैं, वो इस खबर के ऊपर प्रमुखता से ध्यान लगाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी लोग मिलकर इस बिटिया को न्याय जरूर दिलाएंगे। दीजिए इजाज़त, मैं हूँ मनोज अंतानी, समता आवाज़ टीवी से आपके लिए इस खास खबर के साथ। धन्यवाद।